Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लाइफ में किस तरह से रहेगा। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा हम ये भी देखेंगे कि ये इंसान जो है आप जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्टिकुलरली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो अपने दोस्तों से अपने घर वालों से इवन बाकी लोगों से आपके बारे में क्या बोलते रहते हैं एंड उनका ओपिनियन भी क्या होता है। सो ऑफकोर्स ये हम देखेंगे और हिंट्स देने की कोशिश करेंगे कि आप ही की रीडिंग है, क्लूज देने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए @sudarshana1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में जो पार्टनर है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो क्या बोलते रहते हैं बाकी लोगों को मेरे पार्टनर्स के बारे में वो हम देखेंगे। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग दिख रहा है। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या है ना, फोकस वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी विषय पे, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको अकाउंट्स का काम संभालने दिया जा रहा है तो भी नहीं वो कर पा रहे हैं। अगर उनको बोला जा रहा है कि आप ये टास्क ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ तभी वो नहीं भी निभा पा रहे हैं। अगर उनका कोई प्रमोशन ड्यू है ठीक है तभी भी वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे उनकी जो फोकस है उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है, जब बोला जाता है ना कि एनर्जी ड्रिंक्स पीने से या अच्छा डाइट रखने से या अच्छा खान पान होने से क्या होता है ना कि हमारे देखो जो ब्रेन है ठीक है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो मैक्सिमम एनर्जी अगर उसको नहीं मिलता है ठीक है तो वो क्या करते फंक्शन करना बंद कर देते। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन की जो दिमाग है इस वक्त बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहा है ठीक है। और बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि अगर हम बहुत ऐसे सिटी में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पल्यूशन है और एयर क्वालिटी जो वायु की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो हमें एयर फिल्टर लगाना ही पड़ता है अपने घर में। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है मुझे नहीं दिख रहा है कि वो बहुत सही स्थिति पे है एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में आओ और इनकी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत संभाल लो ताकि उनको भी सहायता मिले, उनको भी थोड़ा सा चैन मिले क्योंकि उनकी चैन जो है गायब होते जा रहा है मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे ना। दे आर लूजिंग देयर टेन यू कैन से देयर पेशेंस लेवल, क्योंकि वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया है आपके साथ पैचअप करने का या आपको मनाने का ठीक है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, बट दिस पर्सन इज हैज़ आ रियल फेलियर ठीक है। तो यहाँ पे वो फेल कर गए हैं, आपको इम्प्रेस वो नहीं कर पाए हैं। वो अपने घर वालों से भी बात करते रहते कि आपके बिना वो किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तभी भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर उनके घर वाले ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ डिवोर्स करा के या आपके साथ सेपरेशन करा के वो किसी और को अपने घर में लेके आएंगे तभी भी वो इसमें राजी बिल्कुल नहीं है ओके। घर में इतना टेंशन होते वक्त ठीक है, ये इंसान आप ही बताओ कि कैसे वो अपने ही काम में फोकस करे, फिर भी ये तमाम कोशिश करते हैं लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते। आपसे देखो यहाँ पे एक बर्ड भी आ रहा है यहाँ पे विद अ प्रेग्नेंट बर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज लाइक अ प्रेग्नेंट बर्ड। सो कहीं ना कहीं पे
देखो मुझे बर्ड्स का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल ही जाता है, बट दिस टाइम दिस इज़ प्रेग्नेंट, मतलब कहीं ना कहीं पे ये मुझे दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव साइन है। आप दोनों की रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा और यही चाहते हैं। आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट हो सकते हैं और उनकी नाम गोल्डन और वाइट स्ट्रिक्स बाल हो सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने कुछ हेयर स्टाइल चेंज करवाया या गोल्डन थोड़ा सा उनका हेयर हो सकता है। ऑल राइट, आदर तो बहुत, अगर फीमेल है तो बहुत लॉन्ग हेयर होगा ब्लैक कलर, और एवरेज हेयर मतलब लेंथ हो सकता है फीमेल हो तो, और हल्का सा ब्राउन हल्का सा। आपकी पर्सन जो है, थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगी, इनको दूसरे का भला करना बहुत पसंद है, दूसरों को हेल्प करना बहुत पसंद है, सोसाइटी के लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं और पोलाइट भी रहते हैं। कोई घर में आए तो उनको कभी भी डिसरेस्पेक्ट, कभी भी उनको मतलब अगर उनके साथ कितनी भी दुश्मनी हुआ तभी भी वो कभी भी प्रकट नहीं करते उस चीज़ का। और आदर सत्कार हम्बलनेस आप इनके अंदर बहुत कुछ आप देखोगे, ठीक है। एंड आई कैन फाइंड द नंबर 6 ओवर हियर, और मुझे एक छोटा सा पौधा, ठीक है, उसमें से बढ़ता हुआ एक पेड़ नज़र में आ रहा है। एस लेटर यू लेटर आई एच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से आपको एक जगह पे लेके जाए। यहाँ पे देखो उनकी सैड फेस मुझे दिख रहा है, लेके जाए और आपके साथ प्राइवेसी में बात करें। वो आपके साथ पब्लिक में तो बात नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आप जानते हो पब्लिक में कुछ जेस्चर्स होते हैं जो वो शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स। सो कहीं ना कहीं पे आपको मनाना, ठीक है, वो सिर्फ प्राइवेसी में ही पॉसिबल है, बट मे बी वो, मे बी आप नहीं मान रहे हो या वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन भी कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको कोई, जैसे बोलता है ना कि कुछ एक्सक्यूजेस देके आपको बुलाएंगे अपने पास, ठीक है, कि आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, फिर वो प्यार की बातें बोलना स्टार्ट करेंगे। अगर आप दोनों एक ही ऑफिस में हो तो और कोई बात ही नहीं रहा है फिर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि अपने मम्मी या पापा को लेके रिसेंटली किसी डॉक्टर के पास गए थे, जहाँ पे उन्होंने दिस वन एक्सरे या कुछ सोनोग्राफी किया होगा, पता नहीं मुझे लगा। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द अपने मतलब अंदर ही हुआ, वो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि देखो मेरा बात सुनो, मेरा कंडीशन जो है बहुत ख़राब है इस वक्त, ठीक है, और मैं आपके साथ कोई झगड़ा या मैं आपके साथ कोई द्वंद्व को आगे नहीं बढ़ाना चाहता या नहीं बढ़ाना चाहती, ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है तो आप बैक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा बात पहले तो सुनिए। यहाँ पे विशाखा नक्षत्र है, ये इंसान मैं नहीं बोलूँगी कि अपने फैमिली का देखभाल नहीं करते, बट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा देखभाल करते हैं, लेकिन ये ऐसा समय भी था कि जब ये बचपन में थे तो अपने मम्मी पापा से काफ़ी दूर थे, ठीक है, तो उनको उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला जितना उनके भाई बहन को मिला, तो प्यार की जो एहसास है इनको कम ही पता है। तो ये आप देखते होंगे कि रूखे सूखे बहुत ज़्यादा थे पहले, जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए ना, दिस पर्सन स्टार्टेड टू लव पीपल लाइक, ठीक है, वरना ये काफ़ी स्ट्रिक्ट और रिजिड भी थे, एरोगेंट भी थे, स्टबर्न भी थे, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान, ठीक है, बहुत ऐसे ही लुक्स देते होंगे। सो यू हैड यू कैन से दैट जनरेटेड एन अमाउंट ऑफ लव विद इन देम, आप ही ने उनके अंदर वो प्यार की जो एहसास है वो जगाया, और ये भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है। चाहे किसी के साथ किसी का रिश्ता पक्का हो या नहीं हो, किसी का लव का एहसास दिलाना वो भी बहुत बड़ा बात है गाइस, ठीक है। किसी को वाकिफ करना विद देयर इमोशनल साइड, इट्स अ ग्रेट जॉब दैट यू हैव डन, वरना लोग इंसान नहीं रहेंगे, वरना लोग क्या होंगे ना, पाखंडी हो जाएंगे फिर। सो यू हैड डन दैट एंड थैंक्स टू यू, ठीक है। वो ऐसा भी बोलना चाहते हैं,
अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं और भी सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और उनको एहसास नहीं होता। सो देयर वॉज दैट अपॉर्चुनिटी कि वो आपको अपने ज़िंदगी में, ठीक है, लेके आए हैं, या आप बाई डेस्टिनी इट हैड बिन हैपन, ठीक है। सो वट एवर इट वॉज, बाई हुक और बाई क्रू की आपको पाना चाहते हैं, बट यू आर रिलैक्टेंट, ठीक है, आप इतना ज़्यादा ईगरनेस शो नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते, या मन में ही रखे हैं कि क्या आपको भी इनसिक्योरिटी इश्यूज है कि ये रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा। आपको भी कोई इस तरह का कंफर्मेशन नहीं है, जिस तरह का रिजर्वेशन में हमें मिल जाता है कि नहीं, दिस इज़ योर सीट नंबर, ठीक है, दिस इज़ योर दिस वन कोच नंबर, ओके, दिस इज़ योर सीट। सो उस तरह का अगर हम फ्लाइट में जाते हैं, दिस इज़ योर सीट नंबर, ये है आपके पास, उस तरह का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए आप डरते हो कि ये इंसान मेरे लिए बने हैं या नहीं, तो मुझे नहीं पता चलता। आपके पर्सन गुड लिसनर है, आपके बातों को सुनना चाहते हैं। पहले अगर वो रिजेक्ट करते थे, नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे आपके साथ कोई दोस्ती भी नहीं बनाना है क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम लोग मिलेंगे या नहीं बाद में, इस तरह का फिजूल बातें, ठीक है, वो और नहीं कहेंगे आपको। नेक्स्ट एक्शन फिर से देख लेते हैं। इनके फेस पे स्माइल तब से गायब है जब आप उनके ज़िंदगी में नहीं रहे हैं, या ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बोल के और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे। उनके दोस्त लोग भी इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है कि उनको अच्छा एडवाइस भी दे, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। उनके दोस्त लोग के भी अंदर उतना मेंटल, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है, सो दे कैन गिव गुड एडवाइस टू दिस पर्सन। ओके, बार बार स्ट्रांग टेंडेंसी आ रहा है कि चित्रा, हस्ता और विशाखा नक्षत्र हो सकता है, या उस नक्षत्र के जैसा क्वालिटी आपके पर्सन के अंदर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आपके थोड़ा सा एस्मा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है। इनके नाक थोड़ा सा ब्रॉड एंड फ्लैट हो सकता है। ओके, रिलेशनशिप इज स्टिल ब्रिटल, ठीक है, वो इजीली ब्रेक कर सकता है कोई भी उनके फैमिली वाले, तो आप संभाल के रहिएगा। आपके आसपास अगर वट वृक्ष है तो वहां पे आप एक दिया रख सकते हैं, ठीक है, और पीपल पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, और अपने मनोकामना भी पूरा करके फिर आप जब घर लौट जाइएगा तब आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है। ओके, सो लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स, हम क्यूब से ही देख लेते हैं, इट्स बेटर। क्यूब से हम देखेंगे, सो लेट मी सी विद द क्यूब्स नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। ओह, आई टोल्ड यू दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, दिस इज अ स्टार। कोई पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन, पुराने टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हैं शायद ये इंसान, एक ही बात बोलते जाते हैं कभी कभार। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब याद आ रहा है। मे बी आप लोग बोथ यू मे बी साइंस स्टूडेंट्स, या आप लोग बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग जर्नी, लाइफ की लॉन्ग जर्नी सवार करना चाहते हैं। ड्रैगन बहुत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, अगर आप उनको नहीं मिलोगे या आप उनको नहीं मिलना चाहोगे तो इतना भड़क जाएंगे। ऐसे शांत रहते हैं लेकिन अचानक भड़क जाते हैं इंसान, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने टेम्पर को। आई डोंट नो विच इज़ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो आई डू फाइंड कि आप दोनों की जो मिलन है इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द कॉस्मिक,
ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे यूनिवर्स से रिलेट कर रहा है। आप दोनों की जो एनर्जी वाइब्रेशंस है, आप दोनों की जो इनफैक्ट मिलन है, इन फ्यूचर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। सब कुछ ऑलरेडी इट इज़ फिक्स्ड। 10-10 आप काफ़ी बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं 10-10, बहुत ही ज़्यादा। अचानक आपको कुछ ट्रैवलिंग करते वक्त कुछ इस तरह का फेदर्स मिल सकता है, या कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल सकता है कि दिस इज़ योर पर्सन। उनके नाम के इनिशियल आप देख सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, अचानक हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। कि ऐसा होता है कभी कभी, मैंने सुना है कि आप मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो ऑटोमेटिकली उनके सपोज कोई नेल पॉलिश वो पहन रही थी, अचानक ना उनके जो पर्सन है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे पता नहीं उसके हाथ में ऐसा हो गया था। सो इट कैन हैपन लाइक दैट। ठीक है, वो सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वही पुराना घिसा पिटा चीज़ जब वो फ़ोन करे या आप उनको फ़ोन करो, वो सब चीज़ दोहराना नहीं है आपको। पास की चीज़ें दोहराना नहीं है, पहले जैसा टेप रिकॉर्डर नहीं रहा। अभी क्या है, लोग ऐसे ही म्यूज़िक बजा लेते हैं। ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ पेन ड्राइव्स या ऑनलाइन पे ही सॉन्ग्स बजाते हैं, सो देर आर नो मोर कैसेट रिकॉर्डिंग एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो डोंट स्पीक अबाउट द पास्ट थिंग्स। पास्ट को आप बीच में मत लाइएगा, देन द रिलेशनशिप विल बी स्मूथ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग। डिविनिटी टेरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड फिल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज, एंड लव योर लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।